नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इस पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। देखिए, जो लैपटॉप होता है, जो कंप्यूटर होता है, कभी कभी क्या होता है ना, ये इसमें कोई फाइल मिसिंग हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि विंडो करप्ट, बहुत सारा रीज़न होता है। तो 5 मिनट के अंदर आप बताता हूँ कैसे अपने लैपटॉप को पहले की कंडीशन में ला सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये लैपटॉप मेरे पास पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप है, इसके अंदर विंडो 11 लोडेड है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के डेट में लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आपको विंडो 10 मिलेगा या विंडो 11 मिलेगा। ये है, इसमें कोई मान लीजिए कोई रस्टी फाइल गायब हो गई है, कोई ऐसा फाइल गायब हो गया जो दिक्कत कर रहा है आपको लैपटॉप चलने के लिए, तो प्री इंस्टॉल करने के लिए इधर लेकर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस विंडो 11 लैपटॉप के अंदर, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे आइए, यहाँ लिखिए सिंपल सेटिंग, SETTING सेटिंग लिखेंगे। सेटिंग के बाद में देखिए आ गया, सेटिंग आ गया, यहाँ पे क्लिक करिए सेटिंग के ऊपर, और सेटिंग क्लिक करेंगे और उसके एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। इस विंडो के अंदर यहाँ लिखा हुआ फाइंड अ सेटिंग, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ लिखना आपको है रिकवरी, RECOVERY रिकवरी लिखेंगे। तो देखिए क्या आ गया, रिकवरी क्या रहा है, रिसेट दिस PC है ना, रिसेट दिस PC क्या है, इस पर क्लिक कर दीजिए। रिकवरी जाना है, इस पर जाना है, रिसेट दिस PC पे क्लिक करेंगे। देखिए नया विंडो खुल के आ जाएगा, नया विंडो खुल के आ जाएगा। इसमें बहुत सारा सिस्टम लिखा हुआ सिस्टम और रिकवरी, इसके देखिए ये ऑप्शन है रिकवरी ऑप्शन, इसमें रिसेट दिस PC चूज टू कीप और रिमूव योर पर्सनल फाइल देन रीइंस्टॉल विंडोज। ठीक है, हम क्या करते हैं रिसेट PC पे यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करें रिसेट PC के ऊपर। यहाँ इस पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, एक आ रहा है कीप माई फाइल और एक आ रहा है रिमूव एवरीथिंग, चूज एन ऑप्शन क्या रहना। तो देखिए दोनों में क्या होता है, जैसे ये दिया हुआ कीप माई फाइल, रिमूव एप्स एंड सेटिंग एंड बट आई कीप माई फाइल। जैसे मान लीजिए कोई आपका पर्सनल फाइल है, कुछ फोटोज है, वीडियोज है, आपका डॉक्यूमेंट फाइल पड़ा हुआ है, अगर इस पर क्लिक करते हैं आप हैं तो ये क्लिक करने बाद में आपकी फाइल बच जाएगा, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो उड़ जाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया वो उड़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ कर सकते हैं। सेकंड नंबर दिया हुआ रिमूव एवरीथिंग, रिमूव ऑल योर पर्सनल फाइल एप्स एंड सेटिंग, तो क्या करेगा ये कंप्यूटर या लैपटॉप को पूरे कंडीशन नए तरीके से पहुंचा देगा ये। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से आप इसको जो है न करके इसको करिए। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप लैपटॉप करने जा रहे हैं या कंप्यूटर करने जा रहे हैं तो उसमें आपको करना रहेगा ये, आपको चार्ज लगाना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर आप लगा रहे हैं तो चार्जिंग लगाएंगे, कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो आपका विंडो करप्ट हो सकता है। लैपटॉप में लैपटॉप को चार्ज कर लीजिए, क्योंकि इसको करने के लिए ना 1 घंटा लेता है। अगर लैपटॉप स्पीड जल्दी आपकी है तो जल्दी हो जाएगा, 2 घंटा लेता है, और इसमें बहुत बार कंप्यूटर या लैपटॉप का रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होगा उसके बाद जो है ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने विंडो 10 लैपटॉप को या विंडो 11 लैपटॉप कंप्यूटर को आप इस प्रकार सही कर सकते हैं। देखिए मेरा प्रयास होता है ना कि आप लोगों को ना बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूं, जैसे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो कैसे सही कर सकते हैं, कंप्यूटर में प्रॉब्लम कैसे सही कर सकते हैं। तो वीडियो देखे होंगे ना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे हो प्लीज को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ये टेक्निकल चीज देखना चाहते हैं, हो सके वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प हो सके। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।